हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मुबारक हो आपको अपना गणतंत्र। लाइफ इंडियन गार्ड डिजिटल ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। सवाल से आज के कार्यक्रम की शुरुआत। क्या हम आज भी अपने गणतंत्र के मूल्यों को खुद में समाहित कर सके हैं? क्या हम गणतंत्र के सही मतलब को समझ रहे हैं? जब भी हम गणतंत्र की बात करते हैं, उमेश कुमार उराव वी द पीपल ऑफ इंडिया कहकर शुरुआत करते हैं। आज सुबह से मैसेज की भीड़ थी। 74th रिपब्लिक डे की मैसेज मिल रही थी, लेकिन क्या स्टेटस में लगाकर हम अपनी देशभक्ति साबित कर रहे हैं? कहानी के दो पहलू हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज ध्वजारोहण होगा, लाल किले से घोष की ध्वनि, परेड, कई कमांडर, सैन्य शक्ति और साहस का प्रदर्शन, गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एक उत्सव सभ्यता के साथ मनाया जाएगा। भारत बढ़ रहा है, प्राचीनतम तेजी से बढ़ रहा है, धूमधाम से मना रहा है। हमें विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। क्या 74वें साल में कुछ कमियां रह गई है? जब भी हम बात करते हैं गणतंत्र की तो बात करेंगे दो टर्म्स की, एक फॉर्मल सेंस में, एक सब्सटेंटिव सेंस में। कि परेड का ग्रेडिंग क्या हमारे हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है तो हम टिक लगा कर कहेंगे हाँ। क्या सौंपा गया है हमारे राजनीति में, श्री संजीव कुमार, क्या हमारे राजनीति में स्टेडियम ऐसा भी हो रहा है जिसमें परिवारवाद लगातार चल रहा है? होनी है क्या जुडिशरी सिस्टम में महिलाओं को भागीदारी मिलती है या न के बराबर? ये सवाल अभी जारी है। खैर, जश्न के माहौल में पूरा देश डूबा है। पहले फर्क को समझना, 15 अगस्त जिसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, 26 जनवरी जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं, यहाँ मैं गणतंत्र की बात नहीं कर रही हूँ। गण लोग आज आज़ादी के कई आयामों को तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे। संविधान लागू होने की कहानियाँ पूरे देश भर में सुनाई जा रही है। जो अब तक इसके मतलब को नहीं समझ पाए हैं वो समझने की कोशिश करें। लगातार बने रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ। इस महा कवरेज में हम तैयार हैं गणतंत्र के जश्न को मनाने के लिए।